दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नारियल पानी पीने के फायदे बताने जा रहा हूँ। नारियल प्रकृति का एक ऐसा वरदान है जो मनुष्य जीवन में अमृत के समान है। नारियल एकमात्र ऐसा फल है जिसमें प्रकृति रूप से शुद्ध मीठा जल मिलता है। इस पानी में किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं होता है, इसलिए स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह उत्तम है। नारियल पानी न सिर्फ गर्मियों का रामबाण इलाज है, बल्कि यह कई शारीरिक समस्याओं को दूर करने में भी सक्षम है। केमिकल युक्त एनर्जी ड्रिंक की जगह आप नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं, यह एक बेहतर विकल्प साबित होगा। तो आप अपनी आदतों को बदलें और नारियल पानी पीने का सेवन करें और प्रकृति से जुड़ें। नारियल में औसतन 200 से 250 मिलीलीटर पानी होता है। नारियल पानी में विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम व फाइबर जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। कोकोनट वाटर को एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत भी माना जाता है, इस लिहाज से यह सेहत, त्वचा, बालों के लिए काफी लाभदायक है। वैज्ञानिक शोधों से पाया गया है कि नारियल पानी में शरीर में लिपिड मेटाबॉलिज्म का स्तर नियंत्रित करने की क्षमता होती है, इससे हृदयघात की आशंका काफी हद तक कम हो जाती है, साथ ही रक्तचाप भी सामान्य रहता है। वैज्ञानिक रिसर्च से साबित हुआ है कि नारियल पानी उच्च रक्तचाप को कम कर सकता है, साथ ही यह कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करता है और धमनियों में रक्त के थक्कों को बनने नहीं देता है। रक्तचाप की समस्या में आप दिन भर में एक ग्लास ताजा नारियल पानी पी सकते हैं। रिसर्च के मुताबिक नारियल पानी मूत्र वर्धक के रूप में भी काम करता है, साथ में एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं इसमें। इसे पीने से किडनी में जमा होने वाले क्रिस्टल कम होते हैं। यूरिन के रास्ते जो पहले से जमा क्रिस्टल होते हैं वो धीरे धीरे बाहर भी निकल जाते हैं, इससे पथरी की समस्या में राहत मिलती है। नारियल पानी फाइबर का अच्छा स्रोत है। एक नारियल पानी में करीब 9% फाइबर होता है, इसलिए यह पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकता है। अगर आपका वजन अधिक है और आप उसे कम करने के बारे में सोच रहे हैं तो नारियल एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसमें वजन कम करने के गुण होते हैं। सबसे अहम कारण यह है कि इसमें कैलोरी की काफी कम मात्रा होती है, जो वजन घटाने के लिए काफी जरूरी है। साथ में इसे पीने से पेट भरा हुआ लगता है, जबकि अन्य ड्रिंक के साथ ऐसा नहीं होता है। जैसा कि आप जानते हैं, कोकोनट वाटर डाइट्री फाइबर का प्रमुख स्रोत होता है। फाइबर शरीर में धीरे धीरे हजम होता है, जिस कारण आपको जल्दी भूख भी नहीं लगती है और आप खाना काफी कम खाते हैं। इसलिए आपका वजन कम करने के लिए नारियल पानी पीने के बारे में जरूर सोचें। शरीर में पोषक तत्वों की कमी या अन्य कारण से मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या का सामना करना पड़ता है। आपको हैरानी होगी कि इसमें भी नारियल पानी आपकी मदद कर सकता है। एक अध्ययन के अनुसार अमूमन शरीर में पोटेशियम की कमी होने पर मांसपेशियों में ऐठन आती है, इसलिए जब आप पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो मांसपेशियों सही प्रकार से काम करती हैं। गर्मियों में या दिन भर पर्याप्त मात्रा न होने से पानी कम पीने की वजह से डिहाइड्रेशन की शिकायत होती है। नारियल पानी का सेवन से शरीर पूरी तरीके से डिहाइड्रेट रहता है। डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं तो शरीर में पानी की कमी होती है, बल्कि उसके साथ साथ आपकी शरीर में नमक की मात्रा भी घट जाती है। वहीं कोकोनट वाटर में सभी जरूरी पोषक तत्व और प्राकृतिक मिठास होती है, जिसके कारण ये आपके सारे कम होने वाले डिहाइड्रेशन की वजह से कम होने वाले जितने भी चीजें होती हैं उनको पूरा करती हैं। महिलाओं को कैल्शियम की कमी का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है। नारियल पानी में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम भी होता है, साथ में इसमें मैग्नीशियम भी होता है, जो हड्डियों के स्वस्थ रखने के लिए काफी जरूरी है। डिटॉक्सिफिकेशन के जरिए शरीर के विभिन्न अंगों में जमा विषैले कीटाणु
कीटाणु जीवाणु बाहर निकल जाते हैं। डिहाइड्रेशन के चलते किडनी व लीवर सही प्रकार से काम नहीं कर पाते। विषैले जीवाणु अंदरूनी अंगों में जमा होने लगते हैं। हाइड्रेट रहना है तो नारियल पानी बखूबी काम कर सकता है। शरीर के अंदरूनी अंगों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिले तो वह पूरी क्षमता से काम करते हैं। इससे वह शरीर के अंदर टॉक्सिक को जमा होने नहीं देते हैं। नारियल पानी में कैलोरी की मात्रा कम होती है, लेकिन एक नारियल में करीब 5 ग्राम शुगर भी होता है। इसलिए हृदय रोगी एवं मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए इसकी सीमित मात्रा ही सेवन करने का हमारी तरफ से सुझाव रहेगा। हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें, नीचे सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक करें ताकि हम आपके लिए और बेहतरीन वीडियोस ला सकें।